टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई के 3 रेलवे स्टेशन और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के बंगले पर बम रखने की खबर सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। इन स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दरअसल मुंबई पुलिस को शुक्रवार की रात करीब 9 बजे के आसपास में कॉल करके ये जानकारी दी गई कि मुंबई CST रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, भाईखल्ला रेलवे स्टेशन और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के बंगले पर बम रखा गया है। मुंबई पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, फौरन मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई और डॉग स्क्वाड के साथ इन स्थानों पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। मुंबई पुलिस को सर्च के दौरान ऐसी बम की भी कोई भी चीज़ नहीं मिली, जिसके बाद जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर की जांच पड़ताल शुरू की गई और आखिरकार कल्याण शिलफाटा रोड से 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। इनके नाम है राजू कांगारे 32 साल और रमेश शिरसाट 28 साल। ये दोनों डोंबिवली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये भी बताया इन लोगों ने पूछताछ में कि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो फर्जी कॉल था, कहीं भी बम नहीं रखा गया था। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये लोग नशे के हालात में थे और इस दौरान पुलिस को फ़ोन करके 4 जगहों पर बम रखने की झूठी खबर दे दी थी। बहरहाल जो बम रखने की 4 जगहों पर खबर सामने आई थी वो पूरी तरह से फर्जी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन दोनों लोगों को हिरासत में लेकर और भी आगे पूछताछ कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार।